है वो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, ब्लूटूथ और रिमोट के लिए, और नीचे है 4 इंच का 18 वाट वाला स्पीकर जो बेस के लिए है। दोनों साइड दो स्पीकर है, और अभी पीछे की साइड देखेंगे स्पीकर में, अभी इधर दोनों स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट है, और इधर लिखा हुआ है लेफ्ट स्पीकर, तो ये साइड लेफ्ट पे जाएगा, जो वॉल्यूम साइड है वो राइट पे आएगा जिसमें वॉल्यूम्स वगैरह है। अभी मैं स्विच कर लिया हूँ। अभी इसका पीछे देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेगा कनेक्शन के लिए। एक है स्पीकर कनेक्शन के लिए, दोनों के लिए। सेकंड स्पीकर में पावर कनेक्ट नहीं होता है, इससे ही जाता है पावर सेकंड स्पीकर को। और नीचे जो है ये RCA इन आउट है, APC इन है, और नीचे है पावर बटन। सो और बाकी कुछ है नहीं। तो ये जो केबल है 5 मीटर वाला, बहुत लॉन्ग केबल है, आप बहुत सेपरेट रख सकते हैं दो स्पीकर को, अच्छा वाइड साउंड के लिए। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ ये वाला, देख सकते हो उधर सिंबल है कनेक्ट करने के लिए। तो अभी कनेक्ट हो गया दोनों साइड। अभी मैं कनेक्ट करूँगा, ये मेरा एक डैक है फियो का, सो ऐसे डैक से ही हम पहले प्ले करेंगे। और दोनों को थोड़ा वाइड रखने से ज़्यादा अच्छा साउंड आता है, स्टेरियो वाइड थोड़ा अच्छा वाइड स्टेज का साउंड आता है। और टीवी होगा तो आप दोनों साइड में रख सकते हैं, तो अच्छा सराउंड साउंड जैसे फील होता है। ओबियसली सराउंड साउंड नहीं आता है, बट अब फील होता है कि सराउंड साउंड आ रहा है। दोनों स्पीकर काफ़ी अच्छा है टीवी के लिए भी। और 3.5 mm का जो ऑक्स केबल दिया है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी 3.5 आउटपुट से। और पावर पीछे ऑन करने के बाद आपको रिमोट से उसको ऑन करना पड़ेगा, रिमोट पावर बटन में। ओके, अभी हम म्यूजिक बजा के थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, और किससे स्पीकर साउंड करता है वो थोड़ा रिव्यू कर देते हैं। हम वॉल्यूम नॉब के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम नॉब अच्छा क्वालिटी का दिया है, काफ़ी अच्छा स्मूथली आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये -6 dB से +6 dB तक जाता है जो बेस और ट्रेबल है। और नीचे वाला जो है उसका कुछ है नहीं, जो सिंबल नॉब के लिए कि कितना ये होता है, वो ऑटोमेटिक आप बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता रहेगा, उसका कुछ नॉब के लिए इंडिकेशन नहीं है। बट ऊपर जो है बेस और ट्रेबल का, उसका अभी मैं बेस 4 पॉइंट पे दिया हूँ, सॉरी ट्रेबल 4 पॉइंट पे दिया हूँ, और बेस वाला जो है 2 पॉइंट पे है। अभी ट्रेबल 4 पॉइंट पे है, और बेस अभी 5 में है, बेस वाला ज़्यादा दिया हूँ, वॉल्यूम थोड़ा सा हाई किया हूँ। और अभी बेस थोड़ा और बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे साउंड है। और इस स्पीकर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 60 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक जाता है। और बहुत ही अच्छा तो ये नहीं कह सकते 60 हर्ट्ज, बट बिकॉज यामा का जो है स्पीकर्स वो 38 से ही आ रहा है, थोड़ा वो एक्सपेंसिव है। और बट ये अराउंड 12,000 में बहुत ही अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी डिटेल साउंड है। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट स्टिल डिटेल साउंड है। अभी मैं एक म्यूजिक प्ले करूँगा, उसमें आप सब बस को जो टेक्सचर उसका है वो उसको सुन पाएंगे, और बेस भी काफ़ी अच्छा है, और मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं टीवी से लगा के, थोड़ा सा सराउंड साउंड जैसा आता है। बिकॉज द स्टेरियो जो वाइड स्टेज है इसका, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और डिटेल स्टूडियो मॉनिटरिंग के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट स्टिल यू कैन फाइंड द माइनर डिटेल। अभी मैं प्ले करता हूँ, अब उसको पता चल जाएगा कि उसका थोड़ा सब बस कैसा है।
7:02 में जो आप बेस का टेक्सचर सुने काफ़ी अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा था, वैसे आपको अच्छा लगा होगा। और ये लाइन इन में काम कर रहा है, मतलब 3.5 में लगा हुआ है। आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो इजीली कनेक्ट होता है, बट आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका रिमोट में एक बटन है ब्लूटूथ वाला, उसको आप प्रेस करना पड़ेगा तो वो इमीडिएटली कनेक्ट होता है। ब्लूटूथ का रेंज बहुत ही अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक हो जाता है, बट कुछ साउंड नहीं सुनाई देता कि कनेक्ट हुआ कि नहीं, वो थोड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा। अभी ब्लूटूथ से भी थोड़ा प्ले कर लेता हूँ, आप सुन लीजिए। और ब्लूटूथ का साउंड भी काफ़ी अच्छा लगा, इज इक्वल टू 3.5 mm जैसा ही साउंड आउटपुट दे रहा है। बिकॉज DSP जो है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इसमें जो है एम्पलीफायर, वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, जो मैं टेस्ट करके देख लिया। और उसको आप लाइन इन को चेंज करना चाहते हैं तो वो रिमोट से कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही। और ये था ओवरऑल दिस स्पीकर का, जो एडिफायर से है, 700 BT, और काफ़ी अच्छा स्पीकर है, वैल्यू फॉर मनी है, आपको अच्छे से साउंड प्रोड्यूस करके देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप बिगनर ऑडियोफाइल है तो आपको अच्छा लगेगा साउंड का क्वालिटी, और कैजुअल लिसनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।